हेलो नमस्ते सरकार वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक अपने यूट्यूब चैनल बोले दामन इस्लाम मैन में। कि आज संडे है, सुबह के बज चुके हैं 10। तो आज घूमने का प्लान है मेरा, और काफ़ी दिनों से कहीं गया नहीं हूँ, तो आज घूमने का प्लान है। अब देखते हैं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, आपको तो पता चल ही गया कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो वीडियो बने रहे, वीडियो पूरा देखिए जरूर, और मिलते हैं। दिन है अपन राजवाड़ा घूमने आए हैं, और आधे घंटे पहले काफ़ी ज़ोर से बारिश हुई, आधे घंटे बारिश हुई है, तो पूरा मौसम भीगा भीगा हो गया है, एकदम भीगा भीगा समा देख रहे हैं रास्ते से लेके दुकानें। तो सराफा मार्केट से अंदर जा रहे हैं, काफ़ी चहल पहल, आज काफ़ी ज़्यादा क्राउड देखने को मिल रहा है क्योंकि संडे भी है, और जो फूड की दुकान है वहाँ पर ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। लेकिन जो मेन सराफा मार्केट स्टार्ट होता है वो 7 बजे के बाद स्टार्ट होता है रात को। तो दुकानें लगना स्टार्ट हो चुकी हैं, शाम के 6 बज रहे हैं, और 1 घंटे बाद देखिएगा यहाँ पे सभी दुकानें लग जाएंगी। भट्टे की कचौरी, मिर्ची वड़ा, ये बहुत भीड़ रहती है। मैं बस यहीं इंदौर से ही है। इंदौर की? हाँ। तो जस्ट अभी फेमस कचौड़ी के यहाँ, कचौड़ी का यहाँ कचौड़ी जो शॉप है सराफा मार्केट में, ये सर खा रहे हैं, मैं खा चुका हूँ, बहुत जल्दी खाता हूँ मैं, और इसके बाद निकलेंगे फिर घूमने बाहर। और तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही, पानी गिरा फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, मिलते हैं। तो ये जस्ट अभी कचौड़ी शॉप से बाहर निकले हैं और बाहर घूम रहे हैं, और अब शाम के नज़ारे आपको दिखाता हूँ यहाँ के व्यू, बेहतरीन जो दिखने वाले हैं, एक नंबर ये। और मार्केट बिल्कुल खुलती जा रही है, रात की जो मार्केट जो 3 बजे तक चलती है रात को, वो बिल्कुल ओपन हो रही है। और दिन में साइड साइड सिर्फ ज्वेलरी के शॉप है यहाँ पे, दिन में वो रहते हैं, रात में यहाँ पर शॉप हो जाती है खाने पीने की, तो मार्केट होता है। पीछे निकल गया विजय चाट, जो पूरे इंदौर को कैप्चर किया है अपने चाट खिला के ला के। 56 में मिल जाएगा हर जगह, विजय मिल जाएगा कहीं ना कहीं फेमस प्लेसेस में इंदौर की। तो इस लाइन में ना पूरी बुक की दुकानें हैं, बड़ा दिल है मेरा। तो भैया हम पहुंच गए राजवाड़ा चौक, राजवाड़ा चौक आगे है, यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं धीरे धीरे। अभी बुक शॉप के पास थे जहाँ पे बहुत सारी बुक मिल जाएंगी आपको, UPSC की तैयारी हो, कोई भी तैयारी की बुकें हैं, नॉलेज की बुकें हैं, नोवेल है पढ़ने का, सब कुछ कॉपियाँ मिल जाएंगी। और ये मार्केट है पूरा खजूरे मार्केट से निकल रहे हैं हम लोग पैदल ही पैदल। मंदिर का है, मंदिर का पूरा कुछ क्या लेना। तो अपन पार्क में आ चुके हैं, ये रानी अहिल्याबाई होलकर जी का जो बना हुआ है यहाँ पे स्टेचू बना हुआ है, काफ़ी बेहतरीन ये पार्क है। ये राजवाड़ा का मेन चौराहा है जो सर्कल, उसके बीचों बीच पार्क बना हुआ है ये। अब सामने से राजवाड़ा आपको दिख जाएगा जहाँ पे हम लोग अभी अंदर थे, पूरा व्यू कैप्चर किए हैं। तो आज ये काफ़ी दिनों बाद ओपन हुआ है, ओपन हुआ है तो अंदर काफ़ी बेहतरीन व्यू हमने कैप्चर किया है, जो 1800 में बना हुआ था, रानी अहिल्याबाई द्वारा ने बनवाया गया था, होलकर वंश के जितने भी राजाओं हैं, होलकर वंश के राजाओं द्वारा बनवाया गया था ये राजवाड़ा किला ये। तो काफ़ी बेहतरीन व्यू हमने कैप्चर किया है अंदर के, जो आप देखेंगे, जो आप देख रहे हैं। और ये रानी अहिल्याबाई जी की मूर्ति बनी हुई है पूरा ये, और ठंडा पार्क है ये सामने, जो किला में बात कर रहा था ये किला, ये सामने का व्यू बेपी बेहतरीन, बहुत कमाल का व्यू है। जब रात हो जाएगी ना तो ये व्यू को, जब लाइट जलती है ना नीचे से लाइट जलाते हैं जब, तो बहुत प्यारा लगता है। ये खुल भी चुका है, जो भी इसके अंदर का मतलब काम चल रहा था वो ख़त्म हो चुका है, और अंदर का व्यू मैं दिखा ही रहा हूँ आप लोगों को, जो बहुत प्यारा है। और अंदर भी आप लोग आ सकते हैं और विजिट कर सकते हैं, फोटो शूट कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। और इसका जो टिकट है 20 रुपये, मात्र 20 रुपये में। और अब म्यूजियम घूमना हो तो आपको साइड वाले अंदर जाना पड़ेगा, उधर से आपको।
अंदर जाना पड़ेगा और वहाँ से उसकी टिकट 20 रुपये ही है अंदर घूमने का। उसमें म्यूजियम है तो आपके पुराने चीज़ें हैं, तलवारें हैं। यहाँ से बसें मिल जाएंगी आपको और मैजिक मिल जाएगा, ऑटो मिल जाएंगे और जो इलेक्ट्रिक आजकल चलते हैं ऑटो वो मिल जाएगा। वो कहीं भी जाना हो यहाँ से तो काफ़ी ईजी आने का जाने का भी यहाँ से। और सर आपको मार्केट के बारे में बताया कि कौन, बहुत प्यारा मार्केट है। रात के 8 बजे से स्टार्ट होता है जो 3 बजे 4 बजे सुबह तक चलता है ये मार्केट। और दिन में पूरी दुकानें ज्वेलरी की दुकानें होती हैं होटल से और फिर रात को उसके दुकान बाहर ही सभी शॉप लग जाते हैं, खाने पीने की दुकानें सब लग जाते हैं यहाँ पर। जैसे पानी गिरा तो बहुत प्यारा भी हो रहा आज, बहुत प्यारा भी और ठंडा महसूस हो रहा है यहाँ पार्क में आके। ये वो स्टेचू बना हुआ है, मूर्ति बनी हुई है रानी अल्लाहबाई जी की। यहाँ पर नीचे काफ़ी अच्छा कोड लिखा हुआ, बेहतरीन सब लिखा हुआ है। यूसर ने मुझ पर जो उत्तर दायित्व रखा है उसे मुझे निभाना है। मेरा काम प्रजा को सुखी रखना है। मैंने अपने प्रत्येक काम के लिए स्वयं जिम्मेदार हूँ। समर्थ और सत्ता के बल पर मैं जो कुछ भी यहाँ कर रही हूँ उसका ईश्वर के यहाँ मुझे जवाब देना पड़ेगा, मतलब ईश्वर को जवाब देना पड़ेगा। मेरा यहाँ कुछ नहीं है, जिसका है उसी के पास भेजती हूँ। जो कुछ लेती हूँ वह मेरे ऊपर ऋण है, ना जाने उसे कैसे चुका पाऊँगी। मतलब बहुत प्यारा लिखा हुआ रानी अल्लाहबाई के जो मूर्ति बनी उसके नीचे कि जो कुछ है वो मेरा नहीं है, जिनके जिसका उसको भेजना पड़ेगा और जो मैं कर रही हूँ मुझे ऊपर जाकर उसका जवाब भी देना पड़ेगा। सामने खड़े हुए हैं और बहुत प्यारा दिख रहा सामने से। ये देख रहे हो ना, लोग आते जाते दिख रहे हैं अंदर। और देखो बालकनी बनी हुई है, 7-7 फ्लोर है इसका। मतलब अपन लोग जो घूमेंगे 2 फ्लोर तक है, 2 फ्लोर के बाद बंद कर दिया गया, ऊपर नहीं जा सकते। और तो 2 फ्लोर में अपन घूम सकते हैं और बालकनी से फ़ोटो खींच सकते हैं। जो बालकनी दिख रही है ना बहुत सारी, जो लड़कियां बैठी हुई हैं यहाँ पे, बहुत सारे लड़के भी हैं, तो आप यहाँ से अपनी फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं अंदर से। आप बाहर से भी यहाँ से खींच सकते हैं जूम करके मोबाइल से। यहाँ पे आपकी ज्वेलरी जो भी परचेज करनी है, बाजार वाली ज्वेलरी जितनी भी होती है मार्केट की, जो शॉपिंग वाली होती है, आप यहाँ खरीद सकते हैं। और इधर तो ये भी सब ज्वेलरी कंगन वगैरह है, लड़कियों के लिए मेन है। और उधर तो फूल माला है और भगवान को चढ़ाने के लिए चुनरी है, प्रसाद मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मंदिर भी अंदर है। जींस भाई, जींस कैसे दे भैया? 300 रुपये कोई सा भी। शर्ट कैसे दिए? 200 में सभी, मतलब एक ही मतलब 200। बहुत चीप मार्केट है यार, बहुत सस्ता मिल जाता सामान यहाँ पे। ये मोजे कैसे थे? ठीक है यार, क्या हो गया किस टाइप? नहीं वो बहुत छोटे रहते हैं यार, गाड़ी वगैरह है यहाँ पे। अपन पैदल पैदल जा रहे हैं और यहाँ पे बाहर राजवाड़ा के बाहर पहुँच चुके हैं, जहाँ पुल पड़ता है। अब पुल के बाहर तो यहाँ पे आप आते हैं तो आपको पूरा छाते वगैरह मिल जाएंगे, रैंक कोट का पूरा मार्केट शॉप रैंक कोट का यहाँ पे। ये इतना टोटल दिख रहा होगा। और जितने भी बरसाती कपड़े हैं ना सब यहाँ पे मिल जाएंगे, पूरी टोटल शॉप यहाँ से अलायंस जितने भी वहाँ पर दिख रही है सब पूरे बरसात के कपड़े हैं, रेन कोट वगैरह है, छाता वगैरह, बैग वगैरह है, ये सब मिल जाएगा यहाँ पे। तो आपको सस्ता टिकाऊ कपड़े लेना है तो राजवाड़ा आइए और सस्ते कपड़े मिल जाएंगे, और लोवर वगैरह, शर्ट वगैरह, टी शर्ट वगैरह सब कम कॉस्ट में मिल जाएगा, 200-250 में। और मेरी बैटरी ख़त्म होने वाली है तो यहाँ से वीडियो में बंद करूँगा ब्लॉगिंग करना, बैटरी ख़त्म ही होने वाली मेरी। तो मिलते हैं नए ब्लॉगिंग बहुत जल्द करने के लिए। ट्रेन देखने के लिए इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, नीचे बंदे बात खड़ी है। ये मेट्रो बंदे बात, ये मेट्रो है।
मेट्रो है नहीं यार, मेट्रो नहीं है। अरे मेट्रो ही है तो देखने के लिए इतनी ज़्यादा भीड़ है। ये मेट्रो नीचे खड़ी हुई है, उसके लिए इतनी ज़्यादा भीड़ है। मेट्रो देखने के लिए इतनी ज़्यादा भीड़ थी, हमें लगा एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे, कोई कूद गया नीचे।